गुड इवनिंग साथियों, जय हिंद। मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बेहतर होगी। और हमने मिडवेल के सीरीज़ में आपका दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमनी, ये हमने सूफी भक्ति, साउथ इंडियन स्टेट के जो पार्ट वन पार्ट टू सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम मुगल दो पार्ट में बात करके डिस्कस करेंगे। एक आज, वैसे कल करना था लेकिन कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट के क्लास, जो आप बोल रहे थे कि करंट की एक लंबी क्लास लेके आनी है, तो कल हम वो सेशन लेके आ रहे हैं रात को कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। टारगेट है कि कम से कम 1000 क्वेश्चन हम कवर कर पाएँ। देखते हैं कितना क्वेश्चन कवर होता है, कितना देर आप साथ देंगे, कितना देर मैं साथ दे पाऊँगा। तो कल हम लोग 9 बजे उसकी क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो आप सबको गुड इवनिंग। हरिंदर प्लस ज्वाइन करना है, बहुत अच्छी बात है, कर लो, बहुत सारा वेलकम है आपका। लास्ट क्लास से मेरे साथियों, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और गुड इवनिंग, जय हिंद सबको, हर हर महादेव। चले, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। बस इन 4 शासकों पर हम बात करेंगे। फिर कल वाली क्लास में शाहजहां और औरंगजेब, और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी बिल्डिंग्स, उनका टैक्सेशन सिस्टम, उनका सोशल सिस्टम, इस तरीके से मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। आज हम इन 4 शासकों पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आपके साथ आए हैं, और हर बार की तरीके से ये प्रयास होगा कि आप अच्छे से टॉपिक को सीख पाएं। चलें, चलिए, बहुत अच्छा मेरे बच्चे सुनील, शुक्रिया, ऐसे ही शेयर किया करें। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा है पॉलिटिकल हिस्ट्री। इतने शासक हुए हैं, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, सॉरी शाहजहां कह रहा हूँ, शेरशाह, शेरशाह सू डायनेस्टी से हैं, लेकिन हुमायूं के साथ इनका थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलता रहा है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन हैं यहाँ से। और वो सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। यहाँ से कई सारे ट्रिक्स भी काम करते हैं कि कौन किसके बाद आया, कौन किसके बाद आया। तो मेरा मानना है कि यहाँ तक तो आपको शायद याद रहता ही होगा, यहाँ तक शायद दिक्कत नहीं होती होगी कि बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, फिर उसके बाद बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, अकबर सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड। तो हमने इस पर आपको ट्रिक भी दे दिया है, दैट इज द भाजी सब्जी फॉर मार साहब। बिहार में मास्टर साहब को मां साहब कहते हैं। भाजी सब्जी आपको याद रहेगा ही, भाजी मीन्स बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना, साहब सब्जी, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादार शाह, फॉर यूज फॉर फर्रुख सियर, मां साहब, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, मोहम्मद आलमगीर सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, और फिर लास्ट में बहादुर शाह जफर। तो जैसे भी आपको मन करे आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है, प्रकाश साहिल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू, मैं आपके कमेंट को नहीं देख पा रहा था, ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहे हम टीचर्स का, और उम्मीद करते हैं कि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, भाजी सब्जी। हालांकि मैं ट्रिक के बहुत ज़्यादा समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम ट्रिक
यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने ट्रिक बताया एंशिएंट मेडिवल में, इसी तरीके से यहाँ पर हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब जो है बाबर, बाबर ने भारत में एक नए सिस्टम की शुरुआत की, दैट इज़ द मुगल सिस्टम। और हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत के शासक जो थे अपने आप को सुल्तान कहा करते थे और मुग़ल अपने आप को बादशाह कहा करते थे। तो हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझाया था बादशाही और सल्तनत में। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं की थी यहाँ पर हम बता देते हैं, सल्तनत वो व्यक्ति था जिसको सुल्तान के रूप में कार्य करने के लिए खलीफा से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, खलीफा अप्रूव करते थे, यानी शासक सबसे ऊपर नहीं था, शासक के ऊपर कौन था, खलीफा हुआ करता था। लेकिन बाबर ने आकर के इस सिस्टम को चेंज किया और कहा कि नहीं, सबसे ऊपर शासक होता है, हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही स्टार्टेड द पातशाही सिस्टम, एंड पातशाह इज द बादशाह। तो यदि कभी आपसे ऐसे एसएससी लेवल पर तो नहीं पूछेगा बादशाह और सल्तनत में क्या अंतर है, लेकिन आप जानेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये हमने कहा कि बादशाह क्या है और सुल्तान क्या है, वो हमने बता दिया। हम सभी जानते हैं कि बाबर ने दिल्ली मुग़ल सिस्टम की शुरुआत की भारत में। उसका ओरिजिनल नाम जो है वो जहीरुद्दीन मोहम्मद है। और ऐसा बताते हैं कि बाबर पिता की तरफ से तैमूर वंश का था और माता की तरफ से चंगेज खां की तरफ से था, लेकिन पिता की तरफ से वो पांचवी डायनेस्टी पांचवें क्रम में ही आ जाता है। यहाँ पे देखें यदि आप, तो हमने ये चंगेज खां मदर की तरफ से, तो चंगेज खां में ये चौदहवीं डायनेस्टी बनेगा और तैमूर की तरफ से ये पांचवी डायनेस्टी बनता है। ये इनकी माताजी का नाम है और ये इनके पिताजी का नाम है और यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। तो हमारे एग्जाम में तो एसएससी में नहीं, लेकिन हाँ हम ये जान पाते हैं कि ये इसका एक जो हेरिडिटरी बैकग्राउंड है वो एक विजेता शासकों से रहा है। तो यदि हम एग्जाम में कभी पूछ लें कि किसका वंशज है, तो तैमूर का पांचवा डायनेस्टी का और चंगेज खां की तरफ से मदर की तरफ से चौदहवीं डायनेस्टी के क्रम में आता है। इसका इनके जो पिताजी हैं उमर शेख, वो फरगना में शासक हुआ करते थे। वहाँ पर फिर 11 वर्ष की आयु में ही बाबर को शासक बनने का मौका मिल गया, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से उनको वहाँ अपना शासन छोड़ करके और बाकी जगहों पर अपने शासन के लिए केंद्र ढूंढना पड़ा। और उस केंद्र ढूंढने के क्रम में उन्होंने भारत को एक कम्फर्ट जोन के रूप में देखा। पानीपत की लड़ाई से पहले उन्होंने भारत पर 4 बार लड़ाई लड़ी है। पांचवी बार पानीपत की लड़ाई लड़ करके इन्होंने 1526 ईस्वी में 1526 में दिल्ली मुगल सल्तनत की शुरुआत की है। और ये जो 1526 में वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पानीपत की पहली लड़ाई, उस समय हमने सीखा है लोधी डायनेस्टी का शासन चल रहा था और लोधी डायनेस्टी का शासक उस समय था इब्राहिम लोधी। और पानीपत की 1526 की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को पराजित कर देते हैं और इस तरह की दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। जब बाबर भारत में आक्रमण करते हैं तो बहुत सारे मुस्लिम शासक और बहुत सारे हिंदू शासक हैं, लेकिन इनकी बुकों में 5 मुस्लिम शासकों का जिक्र है, दिल्ली में, गुजरात में, मालवा में, बंगाल में और दक्कन में, और 2 हिंदू शासक मेवाड़ में राणा सांगा और विजयनगर में कृष्णदेव राय, हमने बताया था जब विजयनगर पढ़ा रहे थे। और ये इनको सबसे प्रतिभाशाली शासक के रूप में बाबर बताता है कि सबसे योग्य शासक हैं। तो ये तो हो गया कि कितने शासकों का उन्होंने जिक्र किया है, तो 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक, दैट वाज मेवाड़ में राणा सांगा को भी पराजित करेगा, अभी देखेंगे कौन सी लड़ाई लड़ेगा, और विजयनगर में कृष्णदेव राय का शासन था। अब साथियों, पानीपत की लड़ाई कई मामलों में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। पानीपत की लड़ाई में इन्होंने पहली बार तोपखाने का यूज किया है, पहली बार बारूद का यूज हुआ है, पहली बार
तुगलका नीति का उस्मानी विधि का यूज हुआ है। तुगलका नीति या उस्मानी विधि एक ऐसी विधि थी जिसमें इन्होंने कुछ दो गाड़ियों के बीच में तोप रख करके और लड़ाई को लड़े थे, मतलब टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे। तो कभी एग्जाम में आ जाए उस्मानी विधि है, तुगलका विधि किससे रिलेटेड है, तो पानीपत की लड़ाई से रिलेटेड है और इसमें इन्होंने तोपखाने का यूज किया है। ऐसा बताते हैं कि बाबर को भारत आने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने आमंत्रित किया था और इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम खां लोदी वो उनको पराजित करके, ये लोग खुद चाहते थे कि मैं भारत में शासन कर लूं, लेकिन बाबर को लगा कि भारत एक अच्छा जगह है जहां पे मैं शासन कर सकता हूं। तो हमें एक दिन कभी एग्जाम में पूछ ले कि बाबर को आने के लिए आमंत्रित किसने किया, तो पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने और इधर इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे आलम खां लोदी, इन दो लोदियों ने भारत में इनको आमंत्रित किया था। अब यहाँ आकर के पानीपत की पहली लड़ाई लड़ते हैं और पानीपत की लड़ाई में ये अपने आप को विजय घोषित कर लेते हैं और इस लड़ाई में साथियों ये स्वयं को कलंदर की उपाधि देता है। पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद ये हर वहाँ के नागरिक को एक एक सोने का सिक्का देता है और इसकी उदारता के कारण लोगों ने इसको कलंदर और इसने खुद को भी कलंदर की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन है कि कलंदर की उपाधि कब ली है, तो पानीपत के बैटल के दौरान जब जो 1526 में हुआ है और इस तरीके से इसने भारत में ही रहने का फैसला कर लिया और भारत में खुद को हिंदुस्तान का सम्राट या बादशाह घोषित कर दिया। ये सारी घटनाएं घटित कब हो रही हैं, 21 अप्रैल 1526। ये अप्रैल वाला डेट याद हो ना हो लेकिन 1526 वाला डेट याद होना चाहिए। इब्राहिम लोदी को मार दिया गया और ऐसा बताते हैं कि मिडवल पीरियड में कोई शासक जो युद्ध के मैदान में मरा है वो इब्राहिम लोदी ही है जिसको युद्ध के मैदान में ही मार दिया गया है। फिर उसके बाद इन्होंने राणा सिंह से मेवाड़ की के जो शासक थे उनसे खानवा की लड़ाई लड़ी 1527 में और ऐसा बताते हैं कि खानवा की लड़ाई में ये पराजित हो सकता था क्योंकि उनके पास सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी राणा सांगा के पास, लेकिन राणा सांगा बाबर ने अपने युद्ध को विजयी करने के लिए अपने युद्ध को जीतने के लिए इस्लामी पद्धति का यूज किया और ये धर्म युद्ध के रूप में घोषित किया और जीतने के बाद इसने अपने आप को गाजी की उपाधि दी है। तो ये पूछा जाए गाजी का टाइटल कब लिया है इसने, तो गाजी का टाइटल इसने लिया है मेवाड़ के खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध कब हुआ है, 1527 में, एक साल जस्ट बाद, और किसके किसके बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। तो कलंदर की उपाधि किसमें हमने कहा, कलंदर की उपाधि हमने पानीपत की लड़ाई में और गाजी की उपाधि साथियों खानवा के युद्ध में। और फिर इसने 1528 में राजपूत शासक से मेदनी राय से चंदेरी की लड़ाई लड़ता है। चंदेरी की लड़ाई में पहली बार हमें ये साक्ष्य मिलता है, हाँ इसी लड़ाई में इसने जिहाद का नारा भी दिया था, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बैटल ऑफ खानवा में धर्म युद्ध, वही मैंने जिहाद नहीं वर्ड यूज किया क्योंकि मैं अब थोड़ा सा बचने लगा हूँ ऐसे किसी भी टॉपिक से जिसे आप डिस्प्यूट नाराज हो जाते हैं रिलीजियस मैटर पे, तो मैं ऐसे टॉपिक से बचता हूँ अब आजकल। तो जौहर का साक्ष्य मिलता है, रानियों ने अपने आप को जला लिया इससे बचने के लिए। खैर तो ये हो गया मेवाड़ खानवा की लड़ाई और फिर उसके बाद चंदेरी की लड़ाई और फिर साथियों इसने 1529 में एक बैटल ऑफ घाघरा भी लड़ा है अफगानों के खिलाफ और ये चार लड़ाइयां लड़ी हैं। तो कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी लड़ाई पहले लड़ी गई, कौन सी लड़ाई बाद में लड़ी गई, तो इसका एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, यहां पर हमने दिया है 1526 में कौन सा साथियों, 1527 में कौन सा दोस्तों, 1528 में कौन सा और 1529 में कौन सा। तो हमने कहा 1526 में
इन्होंने इन्होंने पानीपत की लड़ाई लड़ी थी। पान खा चल घर, देखते हैं इसकी जरूरत है या आप वैसे ही रट लेंगे। कौन सी लड़ाई थी? पानीपत। पानीपत में कौन सी उपाधि? कलंदर। 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा वार। 1528 में चंदेरी वार, किसके साथ? मेदनी राय के खिलाफ। और 1529 में घाघरा का वार। तो ये कई बार एग्जाम में आपसे क्रम लगाने के लिए पूछता है। तो हमने एक ट्रिक सिखाया, पान खा चल घर। तो जैसे भी याद आप याद रख सके, पानीपत की लड़ाई कब, खानवा की लड़ाई कब, चंदेरी की लड़ाई कब और घाघरा की लड़ाई कब। तो इस तरीके से आपको क्रम याद रखना चाहिए। रोशन, कल हम करंट का सेशन लेके आ रहे हैं लगातार 5 घंटे का, देखेंगे आप कितना हमारा साथ देंगे। और फाइनली इन लड़ाइयों के बाद साथियों 1530 में इसकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु के बाद इसे कहाँ पर दफनाया गया दोस्तों? फिर बाद में हमने उनको कहीं और भी दफनाया था। जल्दी बताओ, बाद में हमने उनकी इच्छा के मुताबिक कहीं और दफना दिया था। शुरू में हमने कहाँ दफनाया है? तो ये भारत में एक तरीके से सिर्फ 4 साल तक इनका एक शासन रहा। लेन पुल इनका मजाक भी उड़ाता है, कहता है कि ये रियल में फाउंडर नहीं है, ये संयोग के फाउंडर हैं। इनको उतना मौका नहीं मिला अपने शासन को करने के लिए। चले तो इनकी जो मृत्यु हुई आगरा में, तो शुरू में ये आगरा में ही दफना दिए गए, लेकिन इनकी इच्छा थी कि मैं अपने जन्म स्थान काबुल में ही दफनाया जाऊं, तो बाद में इनको काबुल में दफनाया गया है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शासक था जिसको पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में काबुल में दफनाया गया, या अभी बाबर कहाँ दफन है, या बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई है साथियों आगरा में, लेकिन दफन कहाँ हुए? काबुल में। चल अब बाबर हमारे लिए कुछ चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा था, दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लेकिन मुगल शासन काल में 2 लोग हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक हैं बाबर और एक हैं जहांगीर। और हम ये भी सीखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी या मुगल काल की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? पर्शियन, फारसी। लेकिन इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है साथियों वो किस में लिखी है? तुर्किस में, तुर्की में। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम में बार बार आता है कि किस शासक ने अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। तो ये है बाबर। और ये किस नाम से था साथियों? तुजुके बाबरी। बाद में इसको पर्शियन भाषा में कन्वर्ट कौन करता है? तो अब्बू रहीम खान खाना, अकबर के टाइम पीरियड में। और किस नाम से? बाबर नामा के नाम से। तो ये पूछा जाए कि उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी है, तो उन्होंने लिखी है साथियों तुर्की में। ये एकमात्र बुक है पूरे मुगल काल में जो तुर्की भाषा में मिलेगी, बाकी सारी की सारी बुकें मिलेंगी किसमें? पर्शियन में। दूसरा, अबू रहीम, किसने इनकी बुक को पर्शियन में कन्वर्ट किया? अबू रहीम खान खाना ने। या बाबरनामा किसने लिखा है टाइटल वाइज पूछा जाए तो अबू रहीम खान खाना, या ओरिजिनल बुक का उनका नाम क्या है? तुजुके बाबरी। ये तीनों चारों तरीके से हम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और हमने कहा था कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बारूद का और तोपखाने का उपयोग किया था। क्लियर है साथियों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? मैक्सिमम चीज़ें आपको पता ही होंगी, ये हर बच्चे को, बच्चे बच्चे को पता है सारी की सारी बातें। चल ये हमारा मुगल काल धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। अकबर के काल तक आते आते साउथ में भी हम पहुंचने लगेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर अकबर के, बाबर के बाद, बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठे। हुमायूं शब्द का नाम मतलब होता है फॉर्चून या भाग्यशाली।
लेकिन संयोग ऐसा रहा कि पूरे जीवन दुर्भाग्यशाली रहे। लेनपुल इनकी इनके बारे में भी काफ़ी उल्टा सीधा लिखता है, कहता है कि पूरे जीवन लुढ़कते पुढ़कते रहे और लुढ़कते पुढ़कते हुए मर गए। बाबर हुमायूं की गलती क्या थी कि हुमायूं एक उदार व्यक्ति था और उसने अपने पिता की इच्छा के मुताबिक अपने शासन को अपने तीन भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया था, और इन भाइयों ने ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट की थी। यदि शायद ये भाई इतनी प्रॉब्लम जनरेट नहीं करते तो शेरशाह सूरी से कभी जीत नहीं पाता। जब जब इसको ज़रूरत थी उन भाइयों की, तब तब उन लोगों ने साथ नहीं दिया है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसने अपने साम्राज्य को भाइयों के साथ डिवाइड किया है वो हुमायूं हुए। बाकी सभी ने लड़ाई लड़ी है, सब ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास किया है। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो अपने भाइयों के साथ बंटवारा करता है। इन भाइयों का नाम क्या? कामरान, अस्करी और हिंदल। इन्होंने काबुल और कांधार कामरान को दे दिया, अस्करी को संबल दे दिया, हिंदल को अलवर दे दिया। तो ये सब तो क्वेश्चन नहीं है किसने किसको दिया, लेकिन ये है कि हाँ, कौन सा शासक है जिसने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों के साथ बांटा था। हुमायूं के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो किया है किसी व्यक्ति ने वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं की दो मेन लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिसमें दोनों में वो पराजित हुआ है और फाइनली उसको भारत छोड़ करके भागना पड़ा है। पहला बैटल ऑफ चौसा, चौसा की लड़ाई, चौसा का युद्ध कब? 1539। और इस लड़ाई में हारने के बाद ये अपने भाइयों के पास भी जाता है कि आप मुझे मदद करो, हम मिलकर के लड़ेंगे, मिलकर के शासन करेंगे। लेकिन पता नहीं भाइयों को क्या था, उन्होंने कहा जी हम तो तुम्हारे साथ देने वाले हैं नहीं। चौसा की लड़ाई में स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, बेसिकली ये बंगाल से वापस लड़ रहे थे, बीच में इन पर हमला हो गया था, लड़ाई लड़नी पड़ गई इनको। तो बताते हैं कि घोड़े सहित नदी में नहर में कूद गए थे और किसी मल्लाह ने इनकी इनको बचाया था, तो उसको एक दिन का इन्होंने उसको बादशाह भी बनाया था। तो ये सब हिस्टोरिकल नहीं है तो इस पर हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ ये पॉइंट है कि बैटल ऑफ चौसा में ये हार गए थे और फिर भाइयों की मदद से इन्होंने लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये भाइयों ने मदद नहीं किया। तो फिर इन्होंने 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज, या इसी को बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, लड़ाई लड़ी और इसमें हार गए। और हारने के बाद ये 15 सालों तक भारत से दूर रहे और इसी 15 सालों में इनके पुत्र अकबर का जन्म होता है, तो वो बाद में देखते हैं। और 15 वर्षों तक इनको भारत से दूर रहना पड़ा। शेरशाह सूरी का अभी जस्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक बार फिर हुमायूं को ही कंटिन्यू करते हैं। फिर इस 1540 में हुमायूं ने एक महिला हमीदा बानो बेगम से विवाह किया और इन्हीं से अकबर का जन्म 1542 में हुआ है, एक राजपूत शासक अमरकोट में उनके घर पर। तो कई बार ये भी बताते हैं कि राजपूतों के प्रति एक सहानुभूति जो अकबर की रही है उनके जन्म स्थान से भी रही है, क्योंकि जिस समय कोई भी साथ नहीं दे रहा था तो उस समय राजपूतों की मदद से ये बड़े हुए हैं या इनका जन्म हुआ है, इस तरीके से कहते हैं। फिर हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे, तो इसका फ़ायदा उठाते हुमायूं कह रहा हूँ शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी और उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे, इसका फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं ने 1555 में गद्दी को प्राप्त कर लिया और दोबारा शासन शुरू किया। लेकिन इतना दुर्भाग्यशाली रहा है कि शासन के लगभग छः महीने के अंदर ही इसका मृत्यु हो जाता है। ऐसा बताते हैं जो दिल्ली का पुराना किला है जिसे शेरशाह सूरी ने बनाया था, वहाँ की लाइब्रेरी से गिर करके अभी कभी जाओगे तो ऐसे तो उसका दरवाज़ा बंद है गेट, लेकिन ऐसे देखेंगे सीढ़ी बिल्कुल इस तरीके से, तो उसमें गिरने के बाद व्यक्ति मरेगा ही। तो मैंने कहा था कि दो व्यक्ति हैं इतिहास में जो गिर के मरे हैं, एक उधर कुतुबुद्दीन ऐबक जो घोड़े से गिर के मरा था और एक ये जो सीढ़ियों से गिर कर मरे थे। और यहीं पर लेलपुल कहता है कि जीवन भर लुढ़कते पुढ़कते रहा और लुढ़कते पुढ़कते हुए मर गया है। तो इनके जीवन में ये चार मेन लड़ाइयाँ बोली जाती हैं, देवराई युद्ध 1531, चौसा युद्ध 1539, बिलग्राम युद्ध
1540, जिसे हमने बिलग्राम वाले को हमने क्या कहा था, कन्नौज वार भी कहा था, और जो वापस ही अपने गद्दी शासन पे आता है 1505 में सरहिंद का युद्ध लड़ करके। तो किस युद्ध के बाद इसको भारत छोड़ना पड़ा था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कह सकते हैं, चौसा का युद्ध 1539 में, और 1555 में सरहिंद की लड़ाई के बाद ये अपने गद्दी पर आया है। इस पर हमने किसके किसके बीच हुआ क्या हुआ ये हमने ट्रिक वाइज आपको दे दिया है, जैसे भी आप याद कर सकते हैं याद कर लेंगे। इनका इनकी बहन गुलबदन बेगम ने इनका बायोग्राफी लिखा है, हुमायूं नामा। इनकी बहन ने ही इनका जहाँ पे दफन किए गए, जिसको हम क्या कहते हैं जनरली टॉम्ब कहते हैं, या ये कह लें जहाँ पे दफनाए गए, उसका निर्माण भी हुमायूं इनकी बहन ने ही किया था, गुलबदन बेगम ने ही, और उन्होंने दीनपनाह नामक शहर का निर्माण किया था हुमायूं ने। तो ये तो रहा हुमायूं की कहानी। तो हुमायूं के बारे में बहुत कुछ नहीं, एक तो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हो गया, चौसा की लड़ाई हो गई, और हुमायूं के बारे में ऐसा बताते हैं कि ज्योतिष को मानते थे ये, सप्ताह में सातों दिन अलग अलग कपड़े पहना करते थे, और ये भी कहते हैं कि ये नशा भी किया करते थे, अफीम। खैर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा मुगल बादशाह है जो ज्योतिष पे विश्वास करता था और सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था, दैट इज द हुमायूं। चले अब थोड़ा बहुत हम शेरशाह सूरी के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ऐसा बताते हैं शेरशाह, राधे राधे भाई, शेरशाह सूरी जो था वो सूर डायनेस्टी का था, सूर वंश का था, और इनका जो ओरिजिनल नाम है साथियों वो है फरीद, और इन्होंने सासाराम के शासक के वहाँ, अफगान शासक के वहाँ अपनी सेवाएं दी थी, और ऐसी कहानी है कि उनकी शेर से रक्षा की थी, जिससे प्रभावित होकर के उन्होंने इनका नाम शेर खां कर दिया था। और ये एक काफ़ी अच्छे प्रशासक भी माने गए हैं। इन्होंने जो हमारा रुपया है वो शुरू किया था, इन्होंने कई सारी सड़कें बनाई हैं, सराय बनाए हैं इन्होंने साथियों। ये जो पुराना किला जहाँ पर गिर के इसकी हुमायूं की मृत्यु हुई, इन्होंने निर्मित किया था। एक समय बताते हैं कि इनका लगभग पूरा भारत इनके कंट्रोल में था, सिर्फ असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात को छेड़ करके। और इनका प्रशासन भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन्होंने लगभग उसी सिस्टम का यूज किया जो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने यूज किया था, दीवाने बिजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसाला, दीवाने इंसा। देखो सारे के सारे वही डिपार्टमेंट, दीवाने इंसा हमने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दीवाने रसालत क्या था फॉरेन मिनिस्ट्री, दीवाने आरिज आर्मी डिपार्टमेंट, दीवाने बिजारत इज अ मिनिस्ट्री जो रेवेन्यू और फाइनेंस का कार्य करते थे। तो लगभग सेम ही है, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने अपने प्रशासन को तीन हिस्सों में बांटा था, सरकार, परगना और विलेज। सरकार 47 थे और इस ये चीफ सिकदार और उनके मतलब लगभग दिल्ली सल्तनत वाला ही था, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने भूमि को कैटेगराइज किया, भूमि को बांटा है, भूमि को उत्पादकता के आधार पर गुड, मिडल या बैड। यदि ये पूछ लें कि भूमि को कितनी कैटेगरी में बांटा था, तो इन्होंने तीन हिस्सों में बांटा था, किसमें, अच्छे, मध्यम और खराब भूमि की कैटेगरी में, और उसके हिसाब से इन्होंने टैक्स को डिसाइड किया था। ये जनरली 1/3 टैक्स लेते थे, ये एक अच्छा सिस्टम बोला जा सकता है। और इन्होंने जो रुपया था वो कौन सा था साथियों, सिल्वर का, चांदी का, ये यदि क्वेश्चन आ जाए तो। और इन्होंने एक दूसरी करेंसी बनाई थी दाम, और ये किसका था दोस्तों, तो ये कॉपर का था। अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल जाएगा। ये जो मैंने ये वाला पॉइंट दिया है ये NCERT का है। तो हमने कहा रुपया जो चांदी का सिक्का था, आज ऐसा बताते हैं कि उसी रुपये को ध्यान में रखकर के आज हमारा इंडियन करेंसी रुपीस बनाया गया है, और दाम कॉपर का हुआ करता था। तो यदि ये पूछ लेंगे रुपये किस का था, तो रुपया किसका, सिल्वर, और दाम वाज कॉपर। याद करिए हमने आपको एक पॉइंट सिखाया था कि भारत में कॉपर का जीतल और
चांदी का टंका शुरू किया था किसने, तब तक बताइए मुझे। उसी तरीके से यहां पर चांदी का रुपया और कॉपर का दाम, चले इसके बारे में हमने बता दिया है क्या है, कब लेकर क्या है, किस तरीके से भारत सरकार ने इसी को यूज किया है। इन्होंने चार मेन सड़कें बनाई थी, सुनारगांव टू सिंध, आगरा टू बहरामपुर, जोधपुर टू चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान, जिसको आज हम NH1 NH2 के नाम से जानते हैं। यस इल्तुतमिश, कुछ निकम्मे बोल रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, पिटा जाओगे तुम, इल्तुतमिश पूरा पढ़ा रखा डिटेल। तो ये तो हो गया कि कौन कौन सी सड़कें बनाई थी। इन्होंने रेस्ट हाउस सराय बनाए थे, पुलिस सिस्टम को काफ़ी ऑर्गेनाइज किया था क्राइम को रोकने के लिए। और ये एक धर्मनिष्ठ मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति इनकी एक अच्छी सोच रही है। पुराना किला इन्होंने बनाया, ये इम्पोर्टेंट है, SSC ने कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। इनकी मृत्यु 1545 में हो गई थी और इनको सासाराम के बिहार के सासाराम में दफनाया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कहाँ पर दफनाया गया, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यस इल्तुतमिश, गुड, क्लियर है यहाँ तक। एक पॉइंट कभी पूछ लिया जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा है जिस पर मूवी बनी थी, वो किसके दरबार में थे, तो इन्हीं के दरबार काल में रहे। एक अभी हम आगे सीखेंगे अकबर के दरबार में टोडरमल है ना, वो भी इन्हीं के दरबार में रहे, जो उनके सबसे बढ़िया टैक्स रेवेन्यू बोले जाते हैं। तो वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि टोडरमल किसके दरबार में थे, 99% हमें बुकों में नहीं मिलता ये फैक्ट, तो वो NCERT का है बेसिकली फैक्ट, तो वो भी इनके दरबार में रहे। तो ये दो फैक्ट हमें जानना चाहिए, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जो मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, जो अलाउद्दीन खिलजी की कहानी प्रेम का है, वो काल्पनिक है। अब सच्चाई कितनी हमें नहीं पता, लेकिन लिखा किसने ये हमें पता होना चाहिए। ये दिल्ली का पुराना किला, कभी आपको मौका मिले, यदि आपको कभी मौका मिले तो आप यहां पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। चले ये तो हो गया हुमायूं, कौन सी लड़ाई लड़ी, तो हमने कहा कि ज्योतिष का यूज करते थे हुमायूं, ओपीएम का यूज करते थे, और अबुल फजल ने इनको इंसान ए कामिल, सबसे अच्छा व्यक्ति का दर्जा दिया है। यदि ये कभी, क्योंकि आप जानते हैं अबुल फजल क्या है, अकबर के दरबारी कवि हैं, अकबर के दरबार के लेखक हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए कभी हमसे कि अबुल फजल ने सबसे अच्छा व्यक्ति या इंसाने कामिल किसे कहा है, तो इंसाने कामिल उन्होंने किसको कहा है, तो हुमायूं को कहा है, ये हमें ध्यान रखना है। अकबर के बारे में डीप बताना, अकबर के बारे में तो इतना डीप बताया जा सकता है कि कितनी लड़ाइयां लड़ी, कौन सा सूबा उनके पास था, बहुत कुछ है। हम इतना बता देंगे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। चले अब आ जाते हैं अकबर। ऐसा कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कोई है तो वो अकबर ही है। क्योंकि बाबर या हुमायूं ने कुछ ऐसी कोई लड़ाई या उपलब्धि नहीं ली। हाँ, बाबर के टाइम पे एक खास बात है जो पूरे एंशिएंट के बाद, कुषाण काल के बाद पहली बार काबुल हमारे हिस्से में आता है, पहले बार अफगानिस्तान हमारे हिस्से में आता है, ये एक बड़ी उपलब्धि है बाबर के टाइम की। हुमायूं ने कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं, कुछ अच्छा नहीं कर पाए। तो यदि हमसे ये पूछा जाए कि रियल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी दैट वाज द अकबर, अकबर को हम बहुत ज़्यादा फिलोसफर भी कह सकते हैं, अकबर को हम एक बेहतर रिलीजियस व्यक्ति भी कह सकते हैं, एक अकबर को बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे इनकी पॉलिसीज़ के बारे में। तो इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया है 1556 में। इन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी है, पानीपत की पहली लड़ाई हमने 1526 में सीखी थी, इन्होंने 1556 में दूसरी लड़ाई लड़ी है। और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो लड़ी गई है वो हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई है। हेमू भारत का आखिरी विक्रमादित्य है, लास्ट विक्रमादित्य। भारत में अब तक 14 विक्रमादित्य हुए हैं, पहला विक्रमादित्य वही थे जिन्होंने विक्रमी संवत चलाया था, याद करो, बताया था आपको। तो ये 14th विक्रमादित्य हैं। यदि पूछ लिया जाए कि हेमू को और हम किस नाम से जानते हैं,
हेमू किस नाम से जाना जाता है, या 14वां विक्रमादित्य कौन है, या कितने विक्रमादित्य हुए हैं? तो ये हमारे कौन कितने हुए हैं, 14 विक्रमादित्य हुए और 14वां विक्रमादित्य कौन है, हेमू। और इनकी लड़ाई में, और ऐसा बताते हैं कि ये लड़ाई भी लगभग हेमू जीतने ही वाला था, लेकिन अचानक कहीं से तीर लगा और उसकी आंखों पर, और वो गिर गया, मर गया। और उसके बाद सैनिक उसके भाग जाते हैं। तो ये लेनपुल यहाँ पे भी कहता है, लेनपुल बहुत बुराई करता है मुगलों की, तो वो यहाँ कहता है कि ये दैवीय संयोग था कि अकबर ये लड़ाई जीता और अकबर ने भारत में हुमायूं या मुगल साम्राज्य की नींव रख दी मजबूत तरीके से। खैर, हमें उससे मतलब नहीं। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अकबर ने साम्राज्य शुरू कर लिया। एक क्वेश्चन आता है कि जब हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर गद्दी पर बैठा, तो अकबर कुल कितने साल का था? तो अकबर उस समय 13 साल 4 महीने का था। सब कराएंगे मेरे बच्चे, सारे फॉरेन कंपनियां कब आई हैं, कौन सी लड़ाई लड़ी गई है, पूरा डिटेल में कराएंगे, आप टेंशन मत लो। अकबर ने एक राजपूतों के साथ एक नई पद्धति का निर्माण किया है। बैरम खां का रोल क्या था? बैरम खां मूवीज में ज़्यादा रोल है, रियल में तो बैरम खां, आगा खां जो उनकी पेटीकोट शासन व्यवस्था है, उन लोग का रियल में कुछ नहीं है, लेकिन यह मान लेते हैं कि हाँ उनके केयर टेकर थे बैरम खां, और उन्होंने उनका काफ़ी ख्याल रखा है। बाद में हालांकि अकबर ने मरवाया है उनको, कहानी तो यहाँ और भी खराब है यदि बुकों को पढ़ा जाए तो, बैरम खां की वाइफ के साथ क्या किया, कैसे क्या किया, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने एक नई पद्धति की शुरुआत की भारत में, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध करके मित्रवत संबंध रखना। और ऐसा बताते हैं कि लगभग 4 डायनेस्टी तक राजपूतों ने इनकी सेवा की है, मतलब औरंगजेब से भी आगे तक काफ़ी हेल्प मिला है। लेकिन एक राजपूत शासक हैं जो इनसे सहमत नहीं थे। अच्छा, अकबर की पॉलिसी को समझना। अकबर 2 ऑफर देता है, देखो आप बहुत अच्छे हो, हम आपके साथ मित्रवत संबंध रखना चाहते हैं, या तो आप हमारी मित्रता को, हमारे शासन को एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो हमसे लड़ाई लड़िए। और राजपूतों को ही अब सैनिक बना के भेजता है। बाद में बेलेजली भी इसी की पॉलिसी का यूज करेगा, इसीलिए उसे कंपनी का अकबर भी कहा जाता है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, 1576 में हुआ, महाराणा प्रताप ने इस लड़ाई को लड़ी, और अकबर की तरफ से सेनापति कौन था? मानसिंह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकबर का सेनापति कौन था, क्या अकबर खुद ले जाता था? तो जवाब है नहीं, ये खुद एक राजपूत शासक हैं और इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं राजपूत शासक के खिलाफ। लेकिन हमारे इतिहास में इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं किया गया, जबकि इसको ज़्यादा वैल्यू करनी थी। तो ऐसा आरोप है कि हमारे जो इतिहासों को लिखा गया है वो कुछ रिलीजन को ध्यान में रख के लिखा गया, लेकिन हम उस पछड़े में नहीं पड़ेंगे। हमारे काम का सिंपल सा है, जीके के पॉइंट से, पानीपत की लड़ाई कब हुई, पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुई, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। यदि ये पूछा जाए अकबर का सेनापति कौन था, मुगल सेनापति कौन था, तो मानसिंह था। चले, अकबर के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन बनती हैं। अकबर ने साथियों दास सिस्टम को खत्म किया, स्लैब सिस्टम, दास व्यवस्था को खत्म किया है, हालांकि बाद में पूरी तरीके से अंग्रेज आके खत्म करेंगे। अकबर तीर्थ यात्रा कर खत्म करेगा, हिंदुओं पर जो टैक्स लगाया जाता था। अकबर जजिया कर खत्म करेगा, जजिया कर के बारे में हम पूरा बता चुके हैं, कब लगा था, किसने लगाया था, गोरी से शुरू हुआ था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने खत्म किया था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक ने शुरू किया था, फिर अकबर ने खत्म किया, और फिर बाद में औरंगजेब शुरू करेगा। और इसके बाद इसने क्या किया, एक इबादत खाना 1575 में शुरू करता है। इबादत खाना क्या है, इबादत खाना क्या है? तो इबादत खाना एक वर्शिप हाउस है। वो अकबर, आप जानते होंगे अकबर इलिटरेट है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन धर्म उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो जानना चाहता है कि धर्म क्या है। तो वो क्या करता है, सभी धर्म के लोगों को यहां पर बुलाता है इबादत खाने में, कि पूजा पाठ करने के लिए, कि आप अपने धर्म की अच्छाई को बताइए, आप के धर्म में क्या अच्छा है, आपके धर्म में क्या अच्छा है, आइए एक दूसरे के धर्म को जाने। लेकिन जब अकबर यहां बुलाता है तो ये सारे लोग
एक दूसरे की अपनी अच्छाई बताने के बजाय दूसरे धर्म की बुराई बताने लगते हैं। तो जब इस बात से अकबर बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो डिबेट चलता रहता है चलता रहता है। तो बाद में वो जब उसको लगता है कि सभी धर्मों का निचोड़ यही है, ह्यूमैनिटी, मानवता, तो इस आधार पर वो 1582 में दीन ए इलाही खुद एक धर्म शुरू करता है, दीन ए इलाही। हालांकि डिफिनेशन वाइज देखा जाए तो दीन ए इलाही धर्म नहीं है, लाइफ स्टाइल है। क्योंकि हमने सिखाया था आपको धर्म के लिए चार चीज़ों का होना जरूरी है। जैसे अभी आप देखेंगे भारत में धर्म के नाम पे हम एक दूसरे को मारने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार हो के जाते हैं। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं धर्म होता क्या है, धर्म कहते किसे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिलीजन? क्यों मुझे, मैं 99.9% इस यकीन के साथ कि आपको पता नहीं है धर्म क्या है, लेकिन आप धर्म के नाम पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। यही मैं देखता हूँ कमेंट में, आप मुझे ही धर्म के लिए कई बार मेरी खिंचाई करने लगते हो। तो SSC के एग्जाम के लिए साथियों दीन ए इलाही एक धर्म था, लेकिन यदि UPSC के एग्जाम में जाएं तो आपको दीन ए इलाही धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म के जो चार क्राइटेरिया हैं वो चारों क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करता है। तो ये हमने कहा कि एक लाइफ स्टाइल है, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी, जैसे व्यक्ति को अपने मरने से पहले ही 13वीं कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मरने के बाद उनकी पीढ़ियों को बिना मतलब का प्रॉब्लम होता है। व्यक्ति को किसी भी इस प्रकार के कर्मकांड से बचना चाहिए जिसमें आर्थिक रूप से बर्डन हो, माता पिता की सेवा को लेकर के। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की हैं, दैट वाज लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, एक अच्छे व्यक्ति के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, तो वो सारा का सारा इसने दिया, दैट इज दीन ए इलाही। इस दीन ए इलाही में सिर्फ 15 लोग मेंबर बने थे, जिनमें से एकमात्र दरबारी था बीरबल। बीरबल के अलावा कोई भी इसका सदस्य नहीं बना था, कोई भी इसका सदस्य नहीं बना था। तो हमने कहा कि 15 लोग थे। अब यहां अकबर की अच्छाई देख सकते हो आप यहां अकबर की अच्छाई देख सकते हैं। क्या अकबर यदि चाहता तो जबरदस्ती करके लोगों को रूपांतरित कर सकता था? अकबर चाहता तो लोगों को मोटिवेट कर सकता था, जबकि इतना बड़ा शासक है, सबसे बड़ा, 15 सूबे हैं, 12 शुरू में बाद में 3 साउथ का जीत लेता है, औरंगजेब के टाइम में 18 सूबे हो जाते हैं। तो एक बड़ा साम्राज्य इसके पास है, लगभग 70% भारत इसके पास है, लेकिन फिर भी सिर्फ 15 लोग इसके धर्म को अपनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि अकबर बहुत ही ज्यादा उदार है। खैर, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि इबादत खाना क्या था, कब शुरू हुआ था, दीन ए इलाही क्या था, किसने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था 1582 में। तो हमने कहा कि 15 लोग ही इसके इसको अपनाए थे, लेकिन उसने किसी को भी कंपेल नहीं किया, मजबूर नहीं किया। इनके दरबार में एक सबसे फेमस व्यक्ति कौन, राजा टोडरमल। टोडरमल किसके दरबार से आए थे अभी बताया था हमने, बताओ एक बार दोबारा आप लोग। और इनके प्रयासों से इसने जप्ती प्रथा या स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया, फिक्स कर दिया टैक्सेशन सिस्टम को। और इससे क्या कि 10 साल के दहशाला सिस्टम भी बोलते हैं कि लास्ट 10 ईयर का एवरेज निकालो और उसके हिसाब से टैक्स फिक्स करो, ताकि देने वाले को भी दिक्कत ना हो और लेने वाले को भी दिक्कत ना हो। तो ये तो पॉइंट हो गया कि दहशाला सिस्टम किसने की, जप्ती प्रथा किसने किया, स्थायी बंदोबस्त किसने किया, किसके प्रयासों से। तो ये किसके प्रयासों से, राजा टोडरमल के प्रयासों से। ये जो लोग, प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, इस मंच को रिलीजियस मंच ना बनाएं, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए गाली ना दें, क्योंकि वो आपको नहीं पता है धर्म क्या होता है, शासन क्या होता है। आज भी धर्म परिवर्तन होते, तब भी धर्म परिवर्तन होते थे। धर्म हमेशा शासकों के लिए एक अच्छे माध्यम रहे हैं, शासन के लिए। तो एक अच्छा मंच रहने दें, पढ़ाई की बातें हूँ, न तो मैं धर्म का विरोधी है, न समर्थक, ना आप, आपको रोजगार चाहिए और मुझे आपको इसमें थोड़ा बहुत हेल्प करना है। तो अपने समय को बहुत पॉजिटिव यूज करते हैं, बुराई करने के लिए बहुत सारे मंच हैं, आप वहाँ जाएँ। तो ये जो कोई कमेंट वमेंट करके अकबर क्या किसको गाली दे रहे हैं, मत दें। इन्होंने भूमि को कई कैटेगरी में डाला, पुलज, परती, छाछर, बंजर, ये हम टैक्सेशन सिस्टम वाले के टाइम पर डिस्कस करेंगे आपसे।
इन्होंने 10 सालों के आधार पर टैक्सेशन सिस्टम को फिक्स कर दिया था। हाँ, अब एक पॉइंट है, इन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मनसब किसने शुरू किया? इसने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। मनसबदारी, मनसब का मतलब होता है साथियों रैंक, रैंक। अब इसको कैसे समझेंगे आप? तो आप ऐसे समझे जैसे आज का आईएएस होता है, वैसे ही तब का मनसब हुआ करता था। मनसब का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम आपको एक पार्टिकुलर मनसब प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको एक रैंक दे रहे हैं, उस रैंक के हिसाब से आपको जात और सवार दो कैटेगरी में बांटा था इन्होंने, जात और सवार। कि मान लीजिए हमने आपको 10,000 का मनसब दे दिया, तो इसमें आपको एक फिक्स मात्रा में पैदल सैनिक और एक फिक्स मात्रा में आपको घुड़सवार रखने होंगे। और इसके आधार पर हम मंगोलिया से था, यस, इसके आधार पर हम धर्म के कौन से चार पॉइंट है बता दीजिए, भी बता देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसके आधार पर हम आपको सैलरी देंगे, वेतन देंगे। दैट वाज द मनसबदारी सिस्टम। बहुत ही अच्छा सिस्टम के तहत मनसब की नियुक्ति कौन करेगा? मुगल शासक, और उसी के आधार पर आपका सैलरी होगा। और मनसब अपने जात और सवार को नियुक्त करेंगे, और इस तरीके से प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से चलता रहा। तो हमसे एक जगह पूछा जाए कि मनसब क्या है, मनसबदारी किसने शुरू की थी, तो ये किसने शुरू की है? मुगल लोगों ने शुरू की है मनसबदारी सिस्टम, और इसमें भी स्पेशली कौन? अकबर ने। चले, मनसब का मतलब क्या है? सबसे छोटा मनसब कौन सा था? 10 का। बाद में सबसे बड़ा मनसब कौन सा? 5,000 का। बाद में और बढ़ता चला जाएगा जैसे ही उनके टाइम आएगा। मैंने कहा ये दो कैटेगरी में बांटे गए थे, जात और सवार। चले, हर सवार को कम से कम 2 घोड़े रखने थे। ध्यान रखना मनसब कभी भी हेरिडिटरी नहीं है। आईएएस पद क्या कभी हेरिडिटरी हो सकता है? तो जवाब है नहीं। जो लोग पूछ रहे हैं करंट कब मिलेगा, कल मैंने बोला है, कल हम आपसे 5 घंटे की करंट की क्लास लेके आ रहे हैं रात को 9 बजे से। एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग 5 घंटे रुक पाएंगे क्या, लेकिन इस वादे के साथ कि इसके बाद आपको करंट का सारा प्रॉब्लम खत्म। ये और वो फर्जी काम भी नहीं कि एक वीडियो देख लिया तो करंट खत्म, वो नहीं, लेकिन करंट ऐसे कि आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप लोग 9 बजे आ सकते हैं क्या। चले, तो ये हो गया कि मनसबदारी क्या हेरिडिटरी थी। तो जवाब है कि नहीं, हेरिडिटरी नहीं थी, अनुवांशिक नहीं थी, लेकिन रहना पड़ेगा लास्ट तक। ध्यान रखिएगा अकबर ने साथियों बहुत लड़ाई लड़ी है, तो संयोग अच्छा है हम सबके लिए कि अकबर के लड़ाइयों से रिलेटेड एसएससी रेलवे वेलवे में नहीं पूछा जाता है। 12 सूबों को जीतने के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, साउथ की 3 सूबों को जीतने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी लगातार। मैं नहीं आ सकता हूँ, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग मत आए, जो लोग आ सकते हैं आएंगे उनको फ़ायदा होगा। आप आएंगे तब भी आपको फ़ायदा, नहीं आएंगे तब भी आपको फायदा है, आप उस समय का कोई भी नुकसान कर लेंगे। कह रहे 10 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है कल देखते हैं। अकबर ने कई सारी बिल्डिंगें बनाई हैं, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट, हुमायूं टॉम इन दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सिकरी आगरा से लेकर गया अपनी राजधानी, दास प्रथा खत्म किया, तीर्थ यात्रा कर खत्म किया, धर्म परिवर्तन का जो फाउंडेशन था वो खत्म कर दिया, फतेहपुर सिकरी की स्थापना की, इबादत खाने का निर्माण किया, मजार की घोषणा की, दीन इलाही लेकर के आए। कह रहे हैं थोड़ा टाइमिंग जल्दी कोशिश कर लें। अकबर के दरबार में कई सारे नवरत्न रहे, आग लगा देंगे ऐसा कह रहे हैं, 5 घंटे में तो सर हो जाएगा। बिरबल, अरे मुझे पता है कल आपके इस क्लास के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके मैं अच्छे क्वेश्चन निकाल पाऊंगा। 3,000 क्वेश्चन में से 1,000 क्वेश्चन निकालना मुश्किल काम है।
कौन कौन नवरत्न था? बिरबल, अबुल फजल स्कॉलर हैं, इनके दरबार के राइटर भी हैं, फैजी स्कॉलर हैं, अबुल फजल के भाई हैं, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने दहशाला स्थाई बंदोबस्त सिस्टम शुरू किया, भगवान दास हिंदू हैं, मनसबदार हैं, मानसिंह इनके सेनापति हैं, इन्होंने ही हल्दीघाटी की युद्ध की लड़ाई था, तानसेन म्यूजिशियन है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या है बताओ? अबू रहीम खान खाना, हिंदी पोएट हैं, मुल्ला दो प्याजा। तो ये नौरत्न हैं इनके दरबार के। इन्हीं के दरबार में तुलसीदास इनके टाइम पीरियड में ही थे और उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। सोलह सौ पाँच में अकबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में सिकंदरा नामक जगह पर दफना दिया गया। अकबर के टाइम पीरियड में ही ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई है 1600 में। तो ये दो क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी किसके टाइम पीरियड में है? तो अकबर के टाइम में। आए किसके टाइम पीरियड में है? जहांगीर के टाइम में। दोनों अलग अलग बातें हैं, 1600 में बन रही है। चले, राम तनु पांडे, गुड, आ जाएगा ये क्वेश्चन। अकबर को वास्तविक संस्थापक हमने बता ही दिया। अकबर का कार्यकाल सबसे ज्यादा किस लिए फेमस है साथियों? तो अकबर का कार्यकाल लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, हिंदी काल के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। और कौन सा शासक कहाँ दफनाया गया? बाबर कहाँ? काबुल में बताया था। हुमायूं कहाँ? दिल्ली में। अकबर कहाँ? आगरा में। जहांगीर कहाँ? लाहौर में। शाहजहां आगरा में। औरंगजेब कहाँ? महाराष्ट्र में। चले, तो ये हो गया अकबर क्या, क्यों, कैसे। मुल्ला दो प्याजा कौन था? ये भी कुछ मुल्ला दो प्याजा, कोई बताएंगे मुल्ला दो प्याजा एग्जैक्टली क्या थे? हम ऐसा बताते हैं कि वो भी कुछ हाजिर जवाब टाइप के ही थे, टैलेंटेड व्यक्ति, लेकिन किसी को एग्जैक्ट पता हो मुल्ला दो प्याजा कौन थे तो बता सकते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर का मीनिंग क्या होता है? विश्व विजेता, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने इनका नाम रखा था जहांगीर। जहांगीर का खास बात क्या है? नौरत्नों में से एक है। इनका कार्यकाल फेमस है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। इन्होंने आगरा में न्याय की जंजीर बनवाई थी, जिसको दिक्कत था वो आ सकता था। इनका कार्यकाल फेमस है पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा, जैसे शाहजहां का कार्यकाल फेमस है किस लिए? बिल्डिंगों के लिए। इनका है पेंटिंग के लिए। मुल्ला दो प्याजा काजी था? नहीं, काजी तो था एग्जैक्टली, कुछ और हो वो बताओ। नवरत्नों में है, इन्होंने गुरु अर्जुन सिख, अर्जुन गुरुदेव पांचवें सिख गुरु को फांसी दी थी, ये हमने कई बार पढ़ा लिया आपको। निक नेम शेखू मूवीज में है, रियल में निक नेम, और वो सब कहानी जो है कि जहांगीर को प्यार हो गया था किसी से, रियल में ऐसा कुछ नहीं है, और अकबर ने विरोध कर दिया ऐसा भी नहीं है। जहांगीर का विवाह किससे हुआ था? मेहरुनिसा से। मेहरुनिसा को हम लोग क्या जानते हैं? नूरजहां के नाम से जानते हैं। बताओगे इत्र की खोज किसने की है भारत में? आजकल जो आप परफ्यूम लगाते हैं, इत्र की खोज वो किसने की है? तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और इनके बारे में कई सारी कहानियां हैं कि किस तरीके से इनसे विवाह हुआ, क्या हुआ। इनके पुत्र जिनका नाम खुर्रम था, जिन्हें बाद में हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, इन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था। व्हाट इज रिलीजन सर? बताऊंगा, पांच मिनट देना, रिलीजन अच्छे से समझा दूंगा। नूरजहां ने ही इत्र का खोज किया है, ध्यान रखना, परफ्यूम का। और जहांगीर के टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हमारे लिए उपलब्धि वाले पॉइंट है नहीं। और जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठे हैं 1627 में, और उन्होंने जो नूरजहां थी उनको पेंशन दिया कि ठीक है आप पेंशन लेकर के अपना लाइफ चलाइए, हमें दिक्कत नहीं है। इन्होंने
जस्टिस का चेन बनाया था, इनके दरबार में ही कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था कंपनी की तरफ से, और इनके दरबार में ही सर थॉमस रो आए थे जेम्स प्रथम के दूत बन करके। तो ये दोनों क्वेश्चन हमसे आते रहते हैं। चले, जहांगीर की 6 बीवियां थी, अब शासकों की कितनी बीवियां थी इसमें तो थोड़ा सा संदेह है। इन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन इनका किसमें था? पर्शियन में। और ये कहां पे दफनाए गए थे? लाहौर में। ये किसने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी है, हमने एक टेबल दे दिया जितना आज पढ़ा है उसका। बेटल ऑफ पानीपत, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध बता दिया था, चौसा का युद्ध बता दिया था, पानीपत का अकबर का लड़ाई, थानेश्वर की अकबर की लड़ाई, बेटल ऑफ तुरकोई, अकबर डिफीटेड बांग्ला एंड बिहार। तो जितनी लड़ाइयाँ, हल्दी घाटी की लड़ाई हमने बता ही दिया आपको, लड़ी गई हैं वो सारी की सारी हमने बता दी। देखो ये इतनी लड़ाइयाँ इन लोगों ने लड़ी हैं। तो आज हमने आपसे वादा किया था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबर से लेके जहांगीर तक। यहाँ तक साथियों को दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें, एक बार हम रिलीजन सीख लेते हैं, धर्म सीख लेते हैं। रिलीजन, धर्म होता क्या है? हालांकि ये टॉपिक मुझे पॉलिटी में पढ़ाना था आपको, फंडामेंटल राइट वाले टॉपिक में। नूरजहां की 2 शादियां हुई थी। हाँ, नूरजहां के पहले पति का ऐसा आरोप है कि जहांगीर ने मरवा दिया था। खैर, उस पर नहीं आएंगे। प्यार मोहब्बत में सब जायज है, प्यार और जंग में, ऐसा लोग बोला करते हैं। चले साथियों, रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव चीज है। मैं और आप इतने पढ़ करके भी आज धर्म के नाम पे लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि धर्म हमारे ब्लड में डाला गया है। धर्म हमने अपने च्वाइस से नहीं चुना है, ये मिल जाता है पिताजी के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा। लेकिन हमें बचपन से ऐसा पढ़ाया था कि धर्म का रक्षा करना चाहिए, धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसे बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। और अच्छी बात है, हम सबको अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन अपने धर्म के लिए मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, ये अपने आप में डिस्प्यूट का मुद्दा है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। मेरा धर्म अच्छा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा ही धर्म अच्छा है, ये डिस्प्यूट का मुद्दा हो सकता है। किस दिन मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा उस पर, आपको ये समझाऊंगा कि आखिर रिलीजन के लिए अलग से क्यों प्रोविजन किया गया, क्यों धर्म के लिए आदमी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्यों इतनी कट्टरता क्यों है, रिजिडिटी क्यों है। तो रिलीजन में साथियों 4 चीज़ें होती हैं। धर्म बनाना बड़ी आसान काम है, कोई भी बना सकता है। बहुत सारे बाबा लोग आज जेल में गए, धर्म के नाम पे हमारे लोगों का शोषण किया करते थे, अब जेल में जा करके मजे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक है रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है एक गॉड होगा, ईश्वर होगा जिसको हम पूजेंगे। वो निराकार हो सकता है, आकार हो सकता है। जैसे इस्लाम में क्या है, निराकार है। हमारे हिंदू धर्म में आकार भी है, निराकार भी है, हमारा और हमारे पास ईश्वर ही ईश्वर है। दूसरा होता है साथियों होली प्लेस, जिसको हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहते हैं। सभी धर्मों में होगा, कोई भी ऐसा धर्म नहीं होगा जहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं होगा। होली प्लेस, और एक होगा होली बुक, पवित्र पुस्तक, जिसको हम कुरान, बाइबल, हमारे हिंदू धर्म में बुक ही बुक है। ऐसा कहा गया कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी नहीं पढ़ पाएंगे। और एक होता है फॉलोवर, अनुयायी। ये 4 चीजें हैं तो धर्म हो जाएगा। इसीलिए धर्म बनाना बड़ी आसान काम है। आसाराम, राम रहीम, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं, ईश्वर धर्मगुरु हैं, जिन्होंने अपने आप को धर्म के रूप में इस्टेब्लिश किया है। अलग उन पर आरोप हैं बहुत सारे चीज़ों का, उस पर हम नहीं आएंगे। तो ये है रिलीजन। अब एक होता है पंथ।
विचारधारा, तो हम आगे चल के सीखेंगे सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। धर्म निरपेक्ष वर्ड नहीं यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पंथ निरपेक्ष यूज किया गया। फिर इनमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे, या अभी यहां के लिए छोड़ देते हैं। यहां पर हमने एक पॉइंट बता दिया है। क्या साथियों यहां तक क्लियर है आपको, जहांगीर तक? यदि क्लियर है तो हम आगे टॉपिक को क्विज कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा उस पर। पंथ अलग है, कबीर क्या है? पंथ होता है। चले, पंथ इज आइडियोलॉजी, पंथ एक अच्छा चीज होता है। चले, क्या आप क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? चले, मैं यकीन दिलाता हूं कि आज 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 सही आने चाहिए। एक सिंगल क्वेश्चन पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं जाएगा, तो एक भी गलत मत करना प्लीज। यदि गलत करोगे तो मैं आपको देशद्रोही कहूंगा, ध्यान रख लेना। चलिए, हु वॉज द फर्स्ट मुगल किंग इन इंडिया, भारत का पहला मुगल शासक कौन है? पंथ धर्म के अंदर होता है? नहीं, धर्म पंथ के अंदर होता है, पंथ इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। पढ़ाऊंगा एक दिन, फंडामेंटल राइट पढ़ाना है मुझे 2-3 क्लास, आपका सोच बदलना है। दिनेलाई में धर्म कौन सा नहीं था? दिनेलाई में ना तो उसने अपने आप को ईश्वर की घोषणा की, ना उन्होंने बुक लिखा, और ना ही फॉलोअर थे, तो कोई सा भी नहीं था। तो पहला शासक कौन, तो कौन था साथियों? बाबर। चलिए, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? मुल्ला दो प्याजा के बारे में बताओ। अरे निकम में करंट के बारे में कुछ बताइए, 10 दिन है अजीत, मैंने बोला है कल हम करंट का एक सेशन लेके आ रहे हैं 4 से 5 घंटे का। करंट का आज मैटर भी डाल देंगे हम टेलीग्राम चैनल पे, आप टेंशन मत लीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच साथी हूँ? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। यस, तुजुके बारबरी किस भाषा में लिखी गई थी? देख लो, बताया था आपको कि ये आता है। वीडियो को एक बार लाइक कर दो भाई, और इसको किसने ट्रांसलेट किया था? किस में लिखा था? तुर्किश में, है ना? और इसको पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था दोस्तों, बाबरनामा के नाम से? बताओ, बताया था जी आपको। चले, किस लड़ाई के बाद रहीम खान खाना ने, गुड, किस लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया? बताओ, इतने आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। किस लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया? किस लड़ाई के बाद साथियों? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब? 1526। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद देयर कंटेम्परेरी रूरल? कौन सा शासकों के साथ सही मैच नहीं करता है? सना, आपका वेलकम है मेरे बच्चे। तो अब देखो, पृथ्वीराज चौहान क्या अकबर के टाइम पीरियड पे थे क्या? बी इज रॉन्ग। किसके टाइम पीरियड पे थे? गोरी के टाइम पीरियड पे। हु वाज द फर्स्ट टू यूज अर्टिलरी इन इंडिया, भारत में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला शासक कौन है? बताओ, आज ही पढ़ा है।
भारत में तो खाने का उपयोग करने वाला पहला शासक, भारत में तो खाने का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक कौन? बाबर। किस लड़ाई में साथियों? पानीपत की पहली लड़ाई 1526। चले, खानवा की लड़ाई में किस राजपूत राजा को बाबर ने हराया था? बताओ, ट्रिक बताया था। खानवा की लड़ाई कब हुई थी याद करिए, 1527। चारों लड़ाई एक दूसरे के बाद हुई थी, पान खा चल घर, चौथी घाघर घाघरा की लड़ाई, तीसरी चंदेरी, पहली पानीपत और दूसरा खानवा। बताओ किसको पराजित किया था? राणा सांगा को। चले, कुछ निकम्मे कह रहे हैं राणा प्रताप, इतनी गोली मारी जाएगी। बाबर कहाँ मरा था याद करो, मैंने बताया था बाबर मरा कहीं और था लेकिन दफनाया कहीं और गया था। बाबर 47 ईयर की एज में, उन्हें 1530 में डेथ हो गया था। कहाँ डेथ हुई थी? आगरा में। दफन कहाँ किया गया? दोबारा काबुल में। चले, पुराना किला किसने बनाया था? बताओ, आज ही बताया। हु बिल्ट द पुराना किला? पुराना किला किसने बनाया? पुराना किला किसने बनाया था साथियों? शेरशाह सूरी ने। यहीं पर गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। चले, फिर आ गया वही क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनाया था? शेरशाह। किस लड़ाई के बाद बाबर को भारत छोड़ के भागना पड़ा था 1540 में? बताओ, किस लड़ाई के बाद बाबर को भारत छोड़ के भागना पड़ा था 1540 में? बताओ, मैंने पूरा डिटेल बताया था अभी। किस लड़ाई में साथियों? कन्नौज की लड़ाई में, चौसा की लड़ाई 1539 और 1540 में, कन्नौज। चलो, कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? अब देखो, जिनको कन्फ्यूजन रहता है चौसा और कन्नौज में, तो जानबूझ के क्वेश्चन डाल दिया, तो लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही है। कब हुई थी इसकी लड़ाई? कन्नौज या बिलग्राम भी कहते हैं, यस, इसी को। और कब हुई थी लड़ाई? 1540 में। 15 साल तक भारत से बाहर रहा। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया है? हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? बताया था, जिन्होंने इनका आत्मकथा लिखा है। नहीं 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 नहीं, गलत गलत, आत्मकथा तो उनकी बहन ने लिखा है, इनकी पत्नी ने बनाया है, हुमायूं की पत्नी। बताओ जल्दी से, हुमायूं की पत्नी क्या था नाम? या अकबर के मम्मी का? हाजी बेगम। चले, हु सर्व द रेवेन्यू ऑफिसर अप टू डरमल? यस, देखो ये मैंने पढ़ाया था, देखो ये आ गया क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया हुआ और एसएससी ने पूछ लिया, गजब। अच्छा, ये जितने क्वेश्चन कर रहा हूं ये सारे के सारे एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, मतलब एक भी ऐसे नहीं सोचिए, कह रहे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। तो किसके किसके वहां थे टोडरमल? शेरशाह सूरी के वहां, नहीं फिर अकबर के वहां चले गए थे। चले, हु व्हाट वाज द एज एट द अकबर, जब कलानौर में युद्ध के मैदान में जब अकबर थे उसी समय इनके पिताजी हुमायूं की मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिर करके, तो वहीं कलानौर के मैदान में इनको मुकुट पहनाया गया, तो कितने साल के थे? बताओ, मैंने बताया था 13 साल 4 महीने के थे। चलिए, पंचमहल किसने बनाया है या पंचमहल अकबर ने कहां बनाया है? तब सोच के देखो, अकबर कहां बनाएंगे सब कुछ, अकबर सब कुछ कहां बनाएंगे साथियों? तो अकबर सब कुछ बनाएंगे फतेहपुर सिकरी में। चले,
विच ऑफ द फॉलोइंग रोड बायोग्राफी ऑफ अकबर, अकबर की आत्मकथा किसने लिखी है, अकबर की जीवनी किसने लिखी है? कह रहे हैं काहे चले, अरे चलो का मतलब आगे बढ़ो मेरे भाई, तुम तो लग रहा है टीचर को बोलने नहीं दोगे कुछ। एक तो हम ऐसे ही कुछ नहीं बोलते, सीरियस रहते। तो अकबर का कभी कौन था साथियों? अबुल फजल। इसी ने पंचतंत्र को भी ट्रांसलेट किया है। विष्णु शर्मा वाली जो कहानी है पंचतंत्र की, कहानियां ये पढ़ाऊंगा कल आएगा ये सारा, कल तो नहीं, कल हम पहले करंट डिस्कस करें, अगली पार्ट में इसको लेके आएंगे, बुक्स जितनी रही हैं, कौन सा किसने ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट क्लास मतलब कल्चरली बहुत मजेदार होगी इस पार्ट की। विच फेमस जैन स्कॉलर रिस्पेक्टेड बाय अकबर, यस, किस जैन गुरु को अकबर ने सम्मानित किया था, अकबर ने उनको जगत गुरु की उपाधि दी थी, अकबर ने उनको जगत गुरु की भी उपाधि दी थी, कौन था वो ये बता दो तो मान लिया जाएगा कि हाँ तुमको हिस्ट्री की जानकारी है। चले, सबका जवाब सही आ रहा है, कुछ लोग गलत दे रहे हैं, बाकी सबका सही जा रहा है, दैट इज द हरविजय, जगत गुरु। चले साथियों, साथियों दीन इलाही क्या शो करता है? कॉस्मोपॉलिटिज्म, ग्लोबल अलायंस, ग्लोबल फ्रेंडशिप, इसको हिंदी में कहेंगे सार्वभौमिकता, सबको साथ लेके चलना। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया था दीन इलाही आपको सिखाने का। That is the सार्वभौमिक करण, सबको साथ, लाइफ स्टाइल है ना, सबको एक साथ प्रगति की तरफ लेके चलना। राइटर ऑफ आईन अकबरी, यस। अब देखो उस समय मैंने पूछा था अकबर की जीवनी किसने लिखी थी, अब मैं पूछ रहा हूं आईन अकबरी का लेखक कौन है, तो दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या होगा साथियों? दारा सिकोह के बारे में बताएं, अभी तो आज मेरे बच्चे हम जहांगीर पर खत्म कर दिए ना, कल दारा सिकोह के बारे में बताएंगे अगली क्लास में, तो बहुत कुछ बचा है, मुगल इतना जल्दी कहाँ खत्म होगा। आपकी क्लास कितने बजे से होती है? मेरी क्लास डेली रात को 9 से 10:30 बजे तक होती है, मंडे टू संडे। कल की क्लास हम 9 बजे से 3 बजे तक लेके चल रहे हैं, देखते हैं आपके में कितना जोश जुनून है, मेरे पास तो है, मैं तो कर लूंगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी बताइए, हल्दी घाटी किसके बीच में लड़ी गई थी? पंद्रह सौ छिहत्तर में किसने लड़ा था? केशव 15 अक्टूबर से, तो अकबर और महाराणा प्रताप याद करो, अकबर का सेनापति कौन था बोलो? मैंने कहा था कि उनको नवरत्न में भी मौका दिया गया है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, मानसिंह, तो मैंने कहा था दोनों में से कोई सभी एक ऑप्शन में रहेगा। चले, मनसबदारी सिस्टम किसने शुरू किया था याद करो, अभी मनसबदारी सिस्टम पूरा का पूरा सिखा दिया, कहां से आया, क्या मतलब होता है, जात क्या होता है, सवार क्या होता है, दैट वाज द अकबर। चले, यस, ये बताओ तो मान लेंगे, फतेहपुर सिकरी में क्या नहीं है, फतेहपुर सिकरी में क्या नहीं है? अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी में क्या नहीं है? ये बता दें तो मान लिया जाएगा कि यस आपको आइडिया है। सही जवाब क्या होगा?
चलें, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं। यस 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 यस, मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद भारत में दो जगह है, एक है दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला में, वो किसने बनाया? औरंगजेब ने। और एक है आगरा में, ये किसने बनाया? शाहजहां ने। तो दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसने मोती मस्जिद बनाया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में मोती मस्जिद बनाया, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आगरा में मोती मस्जिद बनाया, चौथा क्वेश्चन। मोती मस्जिद कहाँ पर है, जैसे इसमें आ गया कि क्या नहीं बनाया है, तो क्या नहीं बनाया साथियों? मोती मस्जिद नहीं बनाया है। चले, वेयर डिड अकबर डिस्कस द रिलीजियस व्यू, बताओ। अभी बताया था अकबर अपने धार्मिक विचारों की चर्चा कहाँ करता था, इसके लिए 1575 ईस्वी में इसने इस संस्था की स्थापना की थी जहां पर डिस्कस करता था, बताओ। 1575 में चले, तो कौन सा था साथियों? इबादत खाना। कब? 1575 में। क्या करते थे? सभी धर्म के लोगों को बुला करके और अपने अपने धर्म का तारीफ, अपने अपने धर्म की उपलब्धियों के बारे में बताना था। फिर मैंने क्या कहा, लोग अपने धर्म की उपलब्धि बताने के बजाय दूसरे धर्म की बुराई करने लगते थे। प्रयाग नगर को इलाहाबाद नगर, और इलाहाबाद नगर को अभी किसने क्या नाम रख दिया गया है? प्रयागराज। तो आने वाली पीढ़ियां पढ़ा करेंगी कि इलाहाबाद को प्रयागराज किसने किया है, तो हम बताया करेंगे कि इलाहाबाद को प्रयागराज किसने किया है, हमारे यूपी के जो सीएम है उन्होंने। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह किसने किया था। सुरेश यादव क्या पूछ रहे हैं मेरे बच्चे? सुरेश एक बार पूछ लो दोबारा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये किसने किया था साथियों? अकबर ने। चलिए, Who was the regent of अकबर? अकबर का केयरटेकर कौन था? किसने अकबर का पालन पोषण किया उनके पिता की मृत्यु के बाद? सर आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं दोस्त, बताइए। तो कौन था? बैरम खां। जजिया किसने समाप्त किया था ऑप्शन वाइज? बिना त्रिपाठी आई एव डाउट, बताओ। जो लोग पूछ रहे हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है श्योर 60 गैप दे करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम आया तो आपका स्वागत है। याद करो, जजिया किसने शुरू किया था? गोरी ने। फिर किसने ख़त्म किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर शुरू किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर ख़त्म किसने किया? अकबर ने। फिर शुरू किसने किया? औरंगजेब ने। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जजिया को ख़त्म करने का श्रेय किसको जाएगा? अकबर। हालांकि ऐसा बताते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने भी जजिया लगाया है, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं है, तो गोरी को लेकर चलेंगे। चले, हाउ मच पार्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन वाज फिक्स्ड एज देयर डिमांड इन परमानेंट सिस्टम, बताओ। जब्ती प्रथा, दशाला सिस्टम में कितना फिक्स किया गया था? तो एक अच्छा शासक कितना टैक्स लगाएगा? तो जनरली अधिकांश शासकों ने कितना टैक्स लगाया दोस्तों? 1/3 होना चाहिए, 1/4, लेकिन अधिकांश शासकों ने 1/3 लगाया, तो इन्होंने भी 1/3 लगाया। हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? याद करो, मैंने कहा था कि ये कहां से आए थे, तो अकबर का राजस्व मंत्री कहां से साथियों? शेर शाह सूरी के वहां से। और क्या नाम था इनका? टोडरमल। कैसे हो मेरे बच्चे? गूगल से नंबर ले लेना और उस पर कॉल कर लेना, बात बन जाएगी जो भी आपका डाउट है। चले, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन?
यस, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? इनके दरबार में ही थे। तानसेन का वास्तविक नाम आप लोगों ने क्या नाम, बीरबल का नाम बता दिया था, अब आप बताइए तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडे पांडे। वाट वॉज द नेम ऑफ तानसेन? नेम ऑफ तानसेन वॉज द रामतनु पांडे। गुड, ये भी इनके नौरत में थे। दीने लाही का मेंबर कौन था? देखो मैंने कहा था कि 15 लोग दीने लाही के मेंबर थे, 15 में से एकमात्र था जो इनके दरबार में आया था। क्या नाम था उनका? दैट वाज द बिरबल। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज इलिटरेट? यस, ग्वालियर में है, बिल्कुल। बिरबल का नाम महेश दास था। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, गुड। साथियों, कौन सा मुगल शासक है जो जो इलिटरेट है? बताओ, मैंने बताया था कौन था? अकबर। चले, व्हाट वाज द फॉल विच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से सही है? आसफ खां, आदम खां, बीरबल, बैरम खां, श्याम शाइस्ता खां। कौन सा सही है साथियों? बैरम खां। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पीरियर गोट क्रेडिट टू कंपोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग्स? यस, किस मुगल शासक के काल में हिंदी गीतों का निर्माण हुआ था? बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने आपसे बताया था कि हिंदी से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, साहित्यों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उन सभी प्रश्नों का जवाब क्या होगा साथियों? अकबर। जहांगीर का किस लिए? पेंटिंग के लिए। शाहजहां का किस लिए? बिल्डिंग के लिए। जहांगीर किस लिए? न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। हु वॉज द मुगल एम्पीरियर वेन ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? यस, किसके शासनकाल में, मुगल शासक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी? जो लोग अभी क्लास में नहीं रहे होंगे वो पक्का गलत करेंगे क्योंकि मैंने सिखाया था। देखते हैं, किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी? दिसंबर 1600 में, बताओ किसके समय में साथियों? चलो देखो, कुछ निकम्मे गलत कर रहे, जहांगीर बोल रहे। तो अकबर कब से कब तक थे? 1556 से 1605 तक, और जहांगीर 1605 से 1627 तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन कब रही है? 1600 में। तो किसके टाइम पीरियड में? अकबर के टाइम में। ये पूछा जाए आए किसके टाइम पीरियड में, तो आप कहोगे जहांगीर के टाइम पीरियड में। चलें, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, देखो गलत कर दिए। 31 दिसंबर 1600 को बनाई गई थी एग्जैक्ट। चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट डेवलप बाई अकबर? यस, अकबर ने इनमें से क्या नहीं किया था? डाक प्रथा, मनसबदारी सिस्टम, इकता व्यवस्था, जब्ती सिस्टम। बताओ अकबर ने क्या नहीं किया था? जो लोग लगातार मेरी क्लासेस में रहे हैं पिछले कुछ क्लासेस में वो बता सकते हैं। सर आप प्लस भी पढ़ाते हो, तभी तो यहाँ पढ़ाता हूँ, बिना वहां पढ़ाए यहाँ कैसे पढ़ा सकता हूँ? बताओ क्या नहीं किया था? अरे निकम्मे हो, इकता प्रथा नहीं किया था। इकता किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दाग चेहरा तो ये भी करेगा ही करेगा, मनसबदारी भी करा, जब्ती भी करा। मैंने कहा ना एलिमिनेट करके करना है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हो आप लोग। दाग तो चला ही चला आ रहा था, इकता बंदो, इकता इन्होंने नहीं किया था। इकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में रहा है। चलिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके टाइम पीरियड में लिखा है? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके टाइम पीरियड में लिखा है? तो किसके टाइम पीरियड में लिखेगा लिखेंगे? अब बताया था आपको तुलसीदास जी ने किसके टाइम पीरियड में?
अकबर के टाइम पीरियड में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहांगीर? यस, जहांगीर का मतलब क्या होता है? बताया था अभी. जैसे हुमायूं का मतलब क्या है? भाग्यशाली. उसी तरीके जहांगीर का मतलब क्या है? जहांगीर का मतलब क्या होता है साथियों? वर्ल्ड चैंपियन, विश्व चैंपियन, विश्व विजेता. चलें, कौन कौन से मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी है याद करो. मैंने कहा था दिल्ली सल्तनत में एकमात्र शासक है फिरोज शाह तुगलक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, और मुगल काल में दो शासक हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है. बताइए कौन कौन से? बाबर फर्रुखसियर, बाबर जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, अकबर औरंगजेब. बताओ जल्दी से. ये हमने बताया भी था आपको. किसने किसने? बाबर और जहांगीर. चले, गुड. इन हुज रीजन ड्रॉइंग ड्राइंग वॉज एट हाइएस्ट? पेंटिंग, चित्रकारी किसके टाइम पीरियड में था? तीन बार बता चुका हूं इससे पहले. किसके टाइम पीरियड में चित्रकारी सबसे सर्वोच्च स्टेज पे था? अग्रवाल, ऋषभ, यस मेरे बच्चे. सर आप प्लस का कोड क्या है? मेरे प्लस का कोड है श्योर 60. ये किसके टाइम पीरियड में साथियों? जहांगीर. शाहजहां के टाइम पीरियड में क्या? पेंटिंग, बिल्डिंग. अकबर के टाइम पीरियड में क्या? लिटरेचर. औरंगजेब के टाइम पीरियड में, मतलब ये बेचारे धर्म युद्धों में रह गए. कल बताऊंगा औरंगजेब में कई सारी अच्छाइयां भी हैं, हम मैक्सिमम चीज बुरी ही जानते हैं उनके बारे में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्बेसडर इंग्लैंड वाज सेंट टू जहांगीर कोर्ट? जेम्स फर्स्ट. यस, आज ही बताया था. जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था 1615 में जहांगीर के दरबार में? बताइए. पक्का गलत करोगे? कौन था जिसे जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में भेजा था? जल्दी. तो देखो सबसे पहले जो आया हुआ है विलियम हॉकिंस, लेकिन जेम्स प्रथम ने किसको भेजा था? सर थॉमस रो को. नहीं बताया था आज ये 1608 में. चले, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर रोक लगा दिया था? इन्होंने तंबाकू, शराब, कई चीजों पर रोक लगा दी थी. ये कर लो फिर बताऊंगा. किसने नृत्य संगीत पर, म्यूजिक पर भी रोक लगा दिया था किसी ने? बताइए. ये बेचारे खुद भी नहीं खाते पीते थे, किसी और को भी नहीं खाने पीने दिए. तो कौन था ये? तो ये थे जहांगीर, ने तंबाकू शराब पर रोक लगा दिया. औरंगजेब ने क्या किया? म्यूजिक पर, नृत्य पर रोक लगा दिया, जबकि खुद बढ़िया म्यूजिक बजाता था, लेकिन कहा कि नहीं ये इस्लाम के खिलाफ है. तो इसका जवाब होगा जहांगीर, और नृत्य संगीत का आएगा तो औरंगजेब. गुरुकुल 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से शुरू हो जाएगा. विच मुगल इंपीरियर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? यस, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? आज इनके बारे में पढ़ाया नहीं है इसलिए वो आया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. किसने अपनी सारी बिल्डिंगें आगरा में स्थापित की हैं? बीणा बजाते थे. यस, तो कौन है वो साथियों? शाहजहां. चले, तख्ते ताउस, ये आज पढ़ाया नहीं है, ये भी आएगा कल. कौन लेके चला गया था भारत से तख्ते ताउस? कहां रखते थे? दीवाने आम में. किसके द्वारा लेके चला गया था? कौन लेके चला गया? नादिर शाह. चले, कहां रखा जाता था तख्ते ताउस को? कहां रखते थे?
जब कभी आपको मौका मिलेगा दिल्ली का लाल किला जाने के लिए, तो वहाँ पे सिंबल दिखाया जाएगा कि यहीं पर रखा जाता था, यहाँ से पानी बहता था। कभी लाइफ में जाइए आप शादी विवाह के बाद अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ, आपको जीवन से वो डिमांड कम करेंगी, उनको दिखेगा कि देखो कुछ नहीं, उतने शासकों के पास इतना कुछ था, आप कुछ नहीं। दीवाने आम, दीवाने खास में रखे क्या करोगे, जब कोई चीज लो और दिखाई ना पाओ तो कोई फायदा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी मोती मस्जिद, देखो अब आ गया, मोती मस्जिद कहाँ पे सिचुएटेड है। अब एक ऑप्शन में दिया है दोनों में से, नहीं अभी सारा अभिषेक शिफ्ट कर दिया सोनीपत, अभी एक सेंट्रलाइज कर दिया, बाकी सारा लॉकडाउन के बाद डिसाइड किया कि नहीं चलाएंगे, कॉमन ही चलेगा अब। तो मोती मस्जिद दो जगह था, एक ऑप्शन में है आगरा में, आगरा वाला किसने स्थापित किया था, शाहजहां ने। दिल्ली, दूसरा कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली वाला किसने, औरंगजेब ने। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल इंपीरियर बैंड द डांस एंड म्यूजिक, यस आ ही गया, किस मुगल शासक ने नृत्य और संगीत पर रोक लगा दी थी, कहा गलत है ऐसे नहीं चलेगा, इस्लाम में अलाउड नहीं है, ऐसा कहा। चले बताइए किस मुगल शासक ने, तो कौन था बताया था अभी, औरंगजेब। चले वट वॉज द कोर्टली लैंग्वेज ऑफ मुगल, यस मैंने कहा था कि जो मुगलों का है वही दिल्ली सल्तनत वालों का है, तो बताओ क्या था, उस समय में पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया था जब बाबर पढ़ा रहे थे, तो क्या था, पार्सियन, पारसी। चले विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग हैज एग्जीक्यूटिव स्पेसिफाई दैट लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम, किस मुगल बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई दोनों समान है, मुगल बिल्डिंग की लंबाई और चौड़ाई दोनों समान है, ये तो आप सबको पता होना चाहिए। तो कौन सा साथियों, विश्व के सेवन वंडर्स में से एक ताजमहल, एक मोती मस्जिद लाहौर में भी है। अब मेरे बच्चे ये तो पता नहीं लाहौर में है नहीं, भारत में तो दो ही है। ताजमहल किसने बनाया था, तो ऐसा बताते हैं ताजमहल प्यार की निशानी है, इनका प्यार हालांकि कई लोगों से था, मतलब कई लोगों से मतलब कई पत्नियों से था, लेकिन फिर भी हमारे लिए तो अच्छा ही है। शाहजहां, सॉरी शेरजहां कर दिया क्या, शाहजहां। चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ताजमहल के बारे में क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट ताजमहल, ताजमहल के बारे में क्या गलत है, ये आप बता पाए तो मान लिया जाएगा। ताजमहल के बारे में क्या गलत है, वट इज रॉन्ग अबाउट ताजमहल, ताजमहल के बारे में क्या गलत है। ग्रेट टोम, ये महान मकबरा है, इट वॉज बुल्ड बाई शाहजहां, ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया, ये आगरा किले के बाहर स्थित है, इट इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ आगरा फोर्ट, एंड द नेम ऑफ दोज आर्टिस्ट आर इनस्क्राइब्ड ऑन इट हु बोल्ट इट, उन कलाकारों का नाम लिखा गया जिन्होंने इसे बनाया था, ये गलत है। इन्होंने हाथ तक कटवा दिया था कि तुम दोबारा कोई ऐसी बिल्डिंग ना बना दो, गला नहीं कटवा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का नाम लिखेगा ये, नहीं लिखेगा। तो साथियों आज का सेशन में हमने क्या कर लिया, मुगलों का पार्ट वन डिस्कस कर लिया है, अब हम इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। अब कल तो नहीं, कल हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्या, करंट। वे बच्चे जो अभी CHSL के लिए जा रहे हैं वो बड़े डरे हुए हैं, करंट कहाँ से आएगा। तो देखो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस बार जो करंट आएगा आपका वो जून टू सितंबर आएगा नए पैटर्न के हिसाब से। लेकिन मान लो मार्च के एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो आपको याद करना चाहिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने, या दिसंबर, जनवरी, फरवरी। SSC का जो नया पैटर्न चल रहा है उसमें वो 3 महीने का जनरली करंट पूछ रहे हैं।
हम कल जो सेशन लेके आ रहे हैं रात को 9 बजे से, नहीं होता है माता का जागरण सरप्लस पे, जो क्लास इकोनॉमिक्स चल रही है वो कैसे मिलेगी? आप प्लस परचेज कर लो और मेरे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी जो जो क्लास चल रही है, 3 से 5 डेली मिला करेंगे। कल हम रात को 3 बजे तक रह पाएंगे, बीच में ब्रेक दे देंगे, यहीं इसी टीवी पे क्या करेंगे, गाना भी चला देंगे बीच में, आपको कोई मूवी वूवी देखना हो 10-5 मिनट का एक ब्रेक दे दिया करेंगे, तब तक गाना वाना चलता रहेगा। तो कल हम मिलते हैं फिर, अभी प्लस पे क्लास होगी? हाँ अभी प्लस पे 11 बजे क्लास होगी। एडिट का कोर्स करना है, आई एम फीलिंग ब्लू बिकॉज आई डोंट यूज टेलीग्राम, यू शुड, आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए, जब आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो टेलीग्राम भी करना चाहिए, टेलीग्राम अच्छी चीज़ है, जागराता कहते हैं उसको। यस कल मिलते हैं फिर हम 9 बजे, और मैं थोड़ा चाहता हूँ कि वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक शेयर और भी कर दिया करें, फायदा हो रहा हो तो, होना कुछ नहीं है ना, तो मेरे पास 1 रुपया बढ़ने वाला है ना आपके 2 रुपये कम होने वाले हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि यार मेहनत है, बच्चे उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, देख लो लग रहा है ना कि कुछ ही दिन मेहनत कर पाएंगे। चले आज के लिए यहीं पर, बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू, और कल एक लंबे दौर की लड़ाई लड़ेंगे, और कल हम ढेर सारी कहानियाँ भी सुनेंगे बीच बीच में। तो अभी मिलते हैं रात को 11 बजे, आज रात को 11 बजे है स्पेशल क्लास, कौन कह रहा नहीं, अफवाह मत फैलाओ। चले बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू, और ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, अन एकेडमी के प्लस कोर्स पे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SURE60, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ईश्वर का आशीर्वाद अलग से मिल जाएगा, तो बहुत सारा फायदा होगा आपको, खूब मेहनत कीजिए, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अच्छे अच्छे टीचर्स का, मेरा भी कई सारा बैच चल रहा है आने वाले समय में भी, तो हम जिस मेहनत के साथ यहाँ पढ़ाते हैं उसी मेहनत और शिद्दत के साथ वहाँ भी पढ़ाते हैं। मान लीजिए आप नहीं प्लस कोर्स लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, रात को 11 से 12 हम डेली फ्री क्लास भी वहाँ कराते हैं, और इसमें हम जनरली क्विज ही करवाते हैं, तो क्विज से क्या फ़ायदा होता है, पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होता रहता है। GS के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम भूल जाते हैं, और साथ के साथ सब होता रहता है तो याद रहता है, तो इसका ऐसे फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारा शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।